करना होगा इससे सिद्रा? बताऊं? एक दूसरे को मार। इससे बोतल इस पे रखनी होगी यूं और यूं लेके जाना होगा। कैसे? एक दफा करके दिखा। अब क्या करना होगा? अब वहां पे लेके चले जाऊंगी, फिर खोल के डाल दूंगी। आपको पता है आप फाइनल में कुलसुम खाला तोप का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। आप आगे निकल गई उससे, एक स्टेप आगे चली गई हैं। यहां पर 5-5 kg का वेट होगा। पहले आप बॉटल को में भर लिया आपने, इसको यूं उठाया, यहां होगा वेट। अब जाने वहां पर यूं चलते हुए वापस कैसे आने? वापस आप बोलेंगे यूं ही रखे। सीधा आना उल्टा आना? उल्टा आना है। एंड गो। जैसे ही मैंने वेट उठाया, मैंने बोला हलवा डेरे भाई चल, मेरा भाई चल। जी बुकार भाई ने जब वेट लाया तो मैंने देखा जीते आ रहे तो कोई भी उस डेयर में, लेकिन एलवी के कंधे आज तो जाने वाले हैं। एलवी ने वेट उठाया हुआ है, मैंने वो फीमेल रजनीकांत की तरह आगे जा रही थी, ये वेट गिरा। वकार भाई ने बोला माउंटेन ड्यू नहीं गिरनी चाहिए, चलो पीछे। पीछे चले गई। नहीं नहीं, पीछे आना होगा। मैं एलवी को ज्यादा नजर लगा रही थी, मैं कह रही थी इसको नजर लग जाए इसकी माउंटेन ड्यू बाहर गिर जाए। उसकी माउंटेन ड्यू तो बाहर गिर गई, लेकिन उसकी नजर मुझसे भी तेज थी, मैं वहीं भी गिर गई। रुक जा। शाबाश। 4 मिनट हो चुके हैं, आखिरी 1 मिनट है। इसका ज्यादा हो गया, तुम डालोगी इक्वल हो जाए। हाँ, मेरे शोल्डर पे लग गया था तो मुझसे वेट उठाया नहीं जा रहा था। मैं चाह रही थी अक्षर भाई मुझे सपोर्ट करें। एलवी कर लोगी तुम, जाओ जल्दी करो यार। बर्गर बच्ची ने लाइनें क्या करा दी, तो कमॉन एलवी, कमॉन एलवी, वरना वकार जैन में हमारे साथ घूमते थे। एक 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 डाल दो, बस थोड़ा सा डाल दो, डाल दो। ग्रेट। अख्तर भाई तो चुप ही नहीं हो रहे थे, कमॉन एलवी, कमॉन एलवी, वेट यहाँ तो उठा लो, वेट यहाँ तो उठा लो। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मेरा दिल चाह रहा था जो मैंने वेट उठाया ना ये उठा के उनके मुंह पे मार दूं। स्टेनी, डोंट स्टे, डोंट स्टे, एलवी एक मर्तबा ले जाओ, बस बस बस, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। आखिरी 15 सेकंड है। 15 सेकंड की आवाज आई, मैंने बोला जो ये माउंटेड यू वहां ले जाएगा ना, बस अब वही जीतेगा। मैंने फुल जोन लगा दी। एलवी का बीकर राइट साइड पर, मेरा बीकर लेफ्ट साइड पर। सारी लाइट्स ऑफ कर दी, देखा जा रहा है कि किसकी माउंटेन ड्यू सबसे ज्यादा है। अरे भाई दिख रहा है कि एलवी जीत गई है, उसकी माउंटेन ड्यू ज्यादा है। लेकिन मुझे ये 100% यकीन था कि जब मैं वकार भाई को अपनी वजह बताऊंगी कि मैं हारी क्यों, तो वकार भाई कहेंगे एलवी तुम बाहर, सिद्रा मलानो प्रिंस। सिद्रा आपका वेट देख के तो लगता है कि आप इसको आराम से हरा सकती हैं। नाश्ता नहीं किया था, खाना नहीं खाया था, फिर अभी भी नहीं खाया। अगर खाना खा रही तो थोड़ा स्टेमिना आ जाता तो फिर। खाना यहाँ के नहीं खाया था आपने? नहीं दिया था इन्होंने, मैंने खुद नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? चिकन था। चिकन नहीं खाती आप? क्या खाती हैं आप? करेले शौक से खाती हूँ। करेले? तो करेले पकवाते पहले बता देती, हम वो मंगवा देते। नहीं ऐसे बता रही हूँ ना। क्या लगता है हारियो जीतियो? हार गई हूँ, पता चल रहा है, साफ नजर आ रहा है एलवी इस मुकाबले को जीत गई है। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज, शी प्रिंसेस एलवी। जाते जाते क्या कहोगी? भूख लग रही है? नहीं नहीं भूख नहीं लग रही। करेले पकवाए? नहीं ये नहीं बोल रही, बस ये कह रही हूँ कि जो भी और लोग आए तो कहते हैं कि आप अनफेयर करते हैं, और ये जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, मुझसे काफ़ी लोगों ने भी पूछा ऐसे कि ये ना स्क्रिप्टेड तो नहीं था, तो मैंने कहा स्क्रिप्टेड नहीं है तो कोई मान नहीं रहा था, तो मैंने आगे जवाब नहीं दिया, तो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा है इस शो में दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जो अपने लिए तालियां बजवाते हैं जो तुम लोग हो, और एक वो सारे हैं
जो दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं या उन्हें गालियां देते हैं। तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। आप लोग डेयरिंग लोग हैं, इतने लोगों से आगे आए हैं, सिद्धरा बहुत हिम्मत की बात है, इतने लोगों को हराना। आपने हिम्मत दिखाई है, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ एलवी, हमारी प्रिंसेस है। And finally I won and I proved everyone wrong who thinks that I'm not daring. And today I proved that I'm the most daring girl of Pakistan. ये 1,00,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आप दोनों में। दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए। आज के हमारे विनर्स हैं ये। अख्तर, प्रिंसेस को जितवाने में आपका कोई हाथ नहीं था, लेकिन आपका दिल बहुत था। शुरू से मुझे ये अच्छी लगती है। अच्छा, मतलब के एज अ फ्रेंड। अच्छा, जैसे उसने मुंह घुमाया तो आपने बोला एज अ फ्रेंड। नहीं, और अच्छी आपकी गर्लफ्रेंड तो है ना पहले से जी? तो ये आपके लिए है जी, तालियां होनी चाहिए। जब अख्तर और एलवी बैठे हुए थे प्रिंस और प्रिंसेस में, मैंने कहा सही, अख्तर भाई के तो यार बनना चाहिए, वो तो डिसर्व करते हैं, ठीक है वो इस पर। लेकिन उनके साथ जो एक श्रीलंकन बांदरी बैठी थी, मैंने कहा या अल्लाह, ये इस टाइम फाइनल की सीट की प्रिंसेस पे बैठ सकती है? उफ अल्लाह, उस टाइम तो पूरा शो का लेवल ही गिर गया। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज में हमें हमारे दो विनर्स मिल चुके हैं। बहुत मुबारक हो आपको। विनर कौन? अख्तर खान। सारे बर्गर बच्चे फेल फेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कुत्ते की तरह हंस रहा, अख्तर को हो क्या गया है? लेकिन मेरा कुत्ते की तरह हंसना बनता है, क्योंकि आज रात होगी पार्टी। लेकिन मैं वकार भाई से कह रहा था, इतना बड़ा चेक जो आपने दिए, ये कैश में मुझे कन्वर्ट करके दे दो, क्योंकि बाहर जो दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, उन्हें पार्टी देनी है मैंने। आर शेरशाह में एक ही गाना चलेगा, कौन सा? सुन लो यारो, दुनिया वालो, जितना भी तुम जोर लगा लो, ये पार्टी यूं ही चलेगी, कान में दम है तो जोर लगा लो। ए जिद्दिया अख्तर खान, ए जिद्दिया अख्तर खान। क्या आप लोग वाकई इस सीट पे बैठना चाहते हैं? बिल्कुल, सोच समझ के। आपको लगता है कि आपको मैं ऐसे ही जाने दूंगा यहाँ से? अब है आपके लिए आपकी ब्रेकिंग न्यूज। ये क्या भाई? वकार भाई बोल रहे थे अभी शो खत्म नहीं हुआ। लगता है मैं बहुत ज्यादा पसंद आ गया हूँ वकार भाई को, मुझे घर भी लेकर जाएंगे, घर भी लेकर जाएंगे। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज का हमेशा एक विनर होता है। पास बैठी हुई एलवी, मैंने वकार भाई को हाथ जोड़ के कहा, नहीं वकार भाई, मैंने इससे नहीं लड़ना। तो देखते हैं माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज का अल्टीमेट विनर कौन बनता है, फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल कौन लेके जाता है। मेरा मुकाबला अख्तर के साथ होने लगा है। I was a bit scared कि मैं अख्तर को कैसे हरा सकूंगी। इनके डेयर का पहला हिस्सा लेकर आ जाए। वकार भाई ने क्रू मेंबर को आवाज दी कि भाई इनका डेयर का पहला हिस्सा ला के रख दो। पहला हिस्सा आया, देखा तो एक चरखी थी। एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक हिस्सा बिल्कुल लाल। समझ नहीं आ रहा यार ये। एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक हिस्सा बिल्कुल लाल। समझ नहीं आ रहा यार ये क्या। इतने डेयर्स करके आए हैं तो मैंने सोचा एक ऐसा चैलेंज होना चाहिए जो इससे पहले दुनिया के किसी रियलिटी शो में ना हुआ हो, और एक ऐसा चैलेंज हो जो दोनों के लिए बराबर, और उसके साथ साथ कुदरत ये डिसाइड कर दे विनर कौन है। इनके डेयर का दूसरा हिस्सा लेकर आ जाए। पहले आप में से एक कंटेस्टेंट आएगा, उसको यूं घुमाएगा, जो नंबर आएगा वहां जाके खड़ा हो जाएगा, जो पहले 15वें नंबर तक पहुंच जाएगा खत्म गेम। कुदरत जिसको चाहेगी वो जीतेगा। इतना खतरनाक शो, सांप, हड्डियां टूट जाती है, लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, मम्मा ये वो ये, और इस शो का एंड लिड्डो पे खत्म होगा। तो मैं बैठूंगा आराम से यहाँ और गेम को शुरू करते हैं।
किसका कुदरत साथ देने वाली है आज? लूडो का इतना बच्चों वाला गेम वकार भाई आपने रख दिया, क्या कपास की तुंडी एलवी को जिताने का मूड है आपका? मैंने बोला तोबा तोबा तोबा, अगर इसने टाइटल जीत दिया अब पहले कौन आएगा? फिर वकार ने कहा सबसे पहले करेगा कौन, चरखी घुमाएगा कौन? जिस तरह मैं हाथ खड़ा करने लगा, एलवी ने कहा आई विल डू इट, मैं करूंगी वकार भाई। आइए एलवी, मेरी जो सारी थिंकिंग, वो मेरे दोस्तों की जो थिंकिंग थी, उनके वहाँ से क्राउड से जो आवाज़ आ रही थी मुझे कि अख्तर तू गया, वकार एलवी के साथ मिला हुआ है और उससे डेफिनेटली जिताना चाहता है। घुमाए लेकिन कपाल की सुंडी की किस्मत अंडा अंडा वापस आए आए भाई अख्तर। ओहो इतने प्यार से एक पे जाके खड़े हो जाए। घुमाए हम सब लड़के दुआएं कर रही थी, मैं और उसे दुआएं कर रही थी अलमेज का अंडा आ जाए, अलमेज का अंडा आ जाए। मेरा नंबर आया 3 और अब मैं जाऊंगा 4 पे। 4 नंबर तक पहुंच गया आपकी बेवकूफी की वजह से। फिर अंडा फिर अंडा फिर अंडा। एक आ जाए खड़े हो जाए। घुमाए कितने नंबर आए? 2। आप किस पे जाएंगे? 6 पे। 6 पे जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं दी मैंने अभी तक? अब है आपके लिए आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज। आप 4 पे हैं, आप 1 पे हैं। ये तो बच्चों वाला सांप सीढ़ी का गेम हो रहा है और सांप भी नहीं है इसमें। सांप का है। अब होगा ये, अगर आपको आगे जाना है, 6 नंबर पे जाओगे, 2 आया है, 2 पर जाने के लिए मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। अगर वो चैलेंज कर लिया तो आप 6 पे आएंगे, अगर वो चैलेंज नहीं किया तो वहीं के वहीं रहेंगे। देर ये हुई ना बात वकार भाई, सबसे ज्यादा हालत टाइट हो गई अख्तर भाई की और उनसे भी ज्यादा हालत टाइट हो गई वो कपास की तुंडी एलवी की। इसलिए हालत टाइट हो गई थी क्योंकि उसको पता था अब हल्के 150 वकार भाई देने वाले नहीं है। और अब वकार भाई ने कहा कि अब अगर घुमाया और अंडा आया तो इस चरखी को फिर आप घुमाएंगे एक दफा, और जब फिर घुमाएंगे फिर आप पीछे जाएंगे, समझ गए? सांप हो गया ये, सीढ़ी हूं मैं और मैं हूं बड़ी खतरनाक सीढ़ी। तो आप क्या 6 नंबर पे जाना चाहते? बिल्कुल। 15 तक जाना चाहता हूं। 15 तक तो जाना चाहते हैं, पहले 6 तक तो पहुंच। अब फिर जो वकार भाई ने ब्रेकिंग न्यूज सुनाई ना, मैं तो कानों को हाथ लगा रहा था कि शुक्र है अल्लाह मैं तो पहले ही बाहर हो गया हूँ, मेरी टांग मतलब इंजर हो गई है। 15 नंबर इनको इतने भारी पड़ेंगे, जो विकास डन में नहीं इनके साथ हुआ वो आज इनके साथ होने वाला। तो इनका 6 नंबर के लिए चैलेंज लेकर आ जाए। जैसी वकार भाई ने कपड़ा हटाया तो उसके बाद हमने बोला जाओ यार अख्तर तुम ही ऐसा चैलेंज कर सकते हो, हमारे अंदर तो तप्पड़ नहीं, ऑडियंस के अंदर बैठना काफी है, घर पे जाके देख लूंगा, ये नहीं कर सकता। क्या चीज है? बकरे का सांप। इसको खोलेंगे इस तरह से और इसको 2 मिनट में खत्म करना है, मगज खाना पूरा और वॉमिटिंग जिस भी लम्हे हुई 14वें नंबर पे, और वॉमिटिंग हुई 1 नंबर पे। बाप आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अख्तर, अब गो। कहीं भी टाइम चल रहा है मुझसे नहीं पूछो। Yeah.
हैं ये व्हील जो कंटेस्टेंट बैठे हैं वो आपके लिए घुमाएं। फिर कपास की सुंडी की जिगरी दोस्त उरूसा आई व्हील घुमाने। तीन नंबर पे जाएंगी तो कितने नंबर ऐड हो रहे हैं आपके नंबर में? फोर। चौथे नंबर के लिए इनका चैलेंज लेकर आ जाए। जहां हार माननी हो हार मानो घर जाओ। ये डेर आया और वकार भाई ने स्टाइल से काला कपड़ा हटाया, लोग चीखो पुकार शाउटिंग ये वो, उसने सफेद चूहे करना ये आपको। मेरा चैलेंज ये था कि मुझे हैमस्टर केज से निकाल के मुंह में रखना है, इसमें डालना है, और आपको ये करने के लिए टाइम 2 मिनट है। मैंने कहा घंटा करेगी एलवी, सिर्फ बैकआउट कर लेगी। वैसे तो बड़ी बर्गर बनती है, बहुत इंग्लिश मारती है, और डेर के पास जाकर, भाई हम डेर के पास जाते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कपाल की डंडी चूहे के पास जाकर मैं तो बोल रही हूँ नाक बंद करके इसकी बात सुनिएगा, ओ सॉरी कान बंद करके इसकी बात सुनिएगा। पॉटी नहीं करना बस। और आपका टाइम शुरू होता है 2 मिनट का अब। इधर चूहे कपाल की सुंडी के मुंह में हलचल मचा रहे थे, उधर उरूसा कपाल की सुंडी की और हट रही थी। वो तो पानी 30 सेकंड हो गए। हार माननी है तो पीछे हट जाओ। अब मजा आ रहा है आपको फाइनल में? एक मिनट हो चुका है। I'm already shivering. एक मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं। हो गया, चले शाबाश, आ जाए उठाए। चार नंबर पर आ जाए। आप वहीं देखेंगे और नौमान पाशा आपके लिए घुमाने आएंगे। हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। चार नंबर के लिए इनका चैलेंज लेकर आ जाए। ये है आपका 4 नंबर के लिए चैलेंज, यानी आप 6 नंबर पे, आप डायरेक्ट 10 पे जाएंगे अगर आपने ये कर लिया। 10 नंबर पे जाने के लिए मुझे जो डेर मिला उसमें जो काला कपड़ा हटा, आपको मैं कुछ चाबियां यहां रख दूंगा, आपको खोल के इसका ताला खोल ले। बंदर आया, बंदर का ताला खोलना, मैंने बोला ये तो अख्तर के लिए बच्चों वाला चैलेंज है, मतलब अख्तर के अलावा कोई भी कर लेगा, बंदर का ताला खोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। नौमान पाशा आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर चाहे तो। आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। बंदर का डेर हम बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन बंदर ने एक ऐसी हरकत की पूरा क्राउड से लग गया जाके। ये बंदर इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अरे मामा चाबी तो मैं लगा लेता, लेकिन सबसे खतरनाक डेर तो मेरे लिए बंदर पकड़ना था। बंदर साला हाथ में आ ही नहीं रहा था। अख्तर भाई का हो गया डेर खत्म, क्योंकि अख्तर भाई से वो बंदर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर वकार भाई ने एलवी को एक लालच दी। एलवी आपके पास मौका है कि आप अगर चाबी खोल लेंगी तो आप जिस नंबर से इन्होंने जहां तक पहुंचना है आप वहां पहुंच जाएंगी। कहां पर पहुंच जाएंगी आप? 10।
10 नंबर पे पहुंच जाएंगी, नहीं खोल सकी तो वहीं रहेंगी जहां है। ट्राई कर दें, मुंह पे निशान बढ़ गया, हमेशा का निशान है। एलवी आपका 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब, गो। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सबसे बेकार कंटेस्टेंट है? कमांड एंड ऑप्शन दो डिफरेंट चीजें हैं। तो एलवी बोल सकती थी कि मैं नहीं बुलाती किसी को भाई, उसकी अपनी पावर है। जैसे अरुसा बेले वकास डैन में एक दफा प्रिंसेस का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था। वकार मैंने जैसे एलवी को ऑप्शन दी कि तुम्हें किसी को बुलाना है, तो हम सब लोग बोले नहीं बुलाना, किसी को भी नहीं बुलाना, बस तुम ही कर लो। एलवी को मैं चुपचाप कह रहा था नहीं बुलाना नहीं बुलाना नहीं बुलाना, लेकिन जाहिल ने बुला लिया। ओ जाहिल कपास की सुंडी, तू बुला क्यों रही है कंटेस्टेंट से किसी को? याद नहीं है सुहेल भाई का हशर क्या हुआ था? फर्ज करो कंटेस्टेंट ने किसी को भी बुला दिया, अगर वो हार गया तो आपका क्या फायदा है, लेकिन अगर वो जीत गया तो आपका नुकसान है। आप वहाँ और वो यहाँ, कुछ समझ आया? नहीं आया ना, वकार भाई सबको घुमा देते हैं। अरुसा आपके पास मौका है, अगर आपने चाबी खोल ली ना इसकी तो एलवी बाहर, आप यहाँ। आपके 2 मिनट का अरुसा टाइम शुरू होता है अब, गो। डायरेक्ट फाइनल में आने का मौका। रस्सी छोड़ी कर अरुसा, पकड़ लो गर्दन से, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। आपको लगता है अरुसा कर लेगी? तीस सेकंड हो चुके हैं। I was not expecting के अरुसा चाबी खोलेगी। एलवी इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां जाएंगी। अरुसा के जीतने के बाद एलवी बोली what happened? मैंने कहा what happened? क्या what happened? जो सुहेल वही तुम्हारे साथ हुआ, what happened? अरुसा यहाँ आएंगे। चाबी जैसे खुली, वकार और एलवी, उफ ऐसे लग रहा था बेचारे पितनी बेहोश होने वाले हैं। कोई इधर देख, कभी उधर देख रहा था, पूरा क्रू बैठ के परेशान, भाई अरुसा कहाँ से आ गई, इसको तो कोई नामो निशान भी नहीं था। सही, अब मैंने कहा अब तो आना पड़ेगा भाई, लेकर आओ। एलवी गई तो बारी किसकी है?
अरूसा की बारी, अरूसा के लिए कौन घुमाने आए? अल्ताफ। अल्ताफ आए, अब आपने की है गलती। तीन नंबर, तीन नंबर का मतलब आप कहां पहुंच जाएंगी? 13 पे पहुंचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इनका चैलेंज लेकर आ जाए तीन नंबर के लिए। कोबरा के अलावा इसमें दो सांप हैं जो हम पहली दफा लेकर आ रहे हैं, दोनों को मुंह में रख लेना। जब आप रखेंगी तो एक मिनट का टाइम शुरू होगा। और उसे के लिए ताली होनी चाहिए। आ जाए गो। नहीं कर सकती, हार मानो और किसी और को आने दो। कौन आना चाहता है जो कंटेस्टेंट वहां बैठे हैं? कैन अरूसा, तो आपने साबित कर दिया कि सब सही कहते हैं, डेरिंग वेरिंग नहीं हो, किस्मत पे चलती सिर्फ। अब गेम में अगर आपको रहना है तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो बैठे हुए बेचारे हैं सारे, किसी ऐसे को बुलाना है जो एक मिनट तक अपने मुंह में दोनों सांप नहीं रख सकता। सोच के अगर उसने कर लिया तो आप बाहर और वो यहाँ। मैं चलाकी कर रही थी वहाँ पे हाथ खड़ा करके कि मैं ये डेयर नहीं कर सकती, अरूसा मुझे बुला ले, लेकिन उस जाहिल ने किसका नाम ले लिया? अल्ताफ। अल्ताफ, अल्ताफ ने कर लिया तो अल्ताफ फाइनल में और आप वहां वहां ऑडियंस में। यही फिर अल्ताफ भाई को घेरना शुरू हो गई। प्लीज अभी डर मत करें, अभी डर मत करें। एक तो वो कपास की सुंडी सबसे बड़ी जाहिल और उससे बड़ी ये जाहिल। अल्ताफ सिद्रा को बुला लेती, एलवी को बुला लेती। नहीं नहीं नहीं, उसने नसवार वाले को बुला लिया, जो अल्ताफ डॉट हैदर, जो कि पूरा सांप नहीं सांप वाले को भी कहा जाए। अल्ताफ का फाइनल में आने का चांस बन गया है। एंड गो। अल्ताफ कौन से नंबर पे जाएगा? जाए। अख्तर आपके लिए कौन यहां से हिलाने आए? उसे आ जाए। अल्ताफ आप भी आ जाए, क्योंकि अल्ताफ आप इतने मजे लेकर आराम से आगे आ गए, इतने आराम से तो आप भी नहीं जाएंगे। करना ये आपने, जो भी चैलेंज आएगा, अगर अख्तर ने कर लिया, अख्तर आपकी जगह और अल्ताफ कहाँ होगा? अख्तर की जगह। अगर दोनों से नहीं हुआ तो दोनों अपनी अपनी जगह रहे। जी उजैर हटाएं, क्या चीज है? ऐसा डेर हम लोग का आया कि मैं पागल हो गया कि क्या डेर है। क्या चीज है? फीडर, दूध है। बचपन में पिया होगा। जो पहले ये दूध खत्म कर लेगा, कैसे खत्म करना है? चूसनियों से। सोचे इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे लोग फीडर पीते हुए कैसे लगेंगे? उफ, हद होगी भाई। उस टाइम पे तो हंस हंस के पूरी क्राउड पागल हो गया कि ये हो क्या रहा है। आपके पास टाइम लिमिट है 4 मिनट। गो। फीडर पीना था, मैंने फीडर उठाया, चलाकी से मैंने उसमें से होल कर ली। मैं सोच रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। इससे निकल नहीं रहा। हाँ जी, क्या हुआ? सुराख ही बंद है ऊपर से इसका। अल्ताफ के बंद देखो, अल्ताफ कह रहा था फीडर का सुराख बंद है। अगर सुराख है
तो बंद कैसे? सुराख ही बंद है ऊपर से इसका। पीटर का सुराख बंद है। पी के दिखाओ इसे। आ रहा है। किधर आ रहा है? तूत नहीं है। नहीं आ रहा? आ रहा है लेकिन हल्का हल्का आ रहा है। चेक करके आओ भाई, इसमें सुराख तो नहीं किया उसने। लेकिन वकार भाई जो हमारे गुरु हैं, उससे कहाँ छुप सकता है ये? ऐसी हरकतें तो उनसे छुप ही नहीं सकती। आप अख्तर, फीडर के ढेर में जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ तो वकार भाई ने मुझे ऑप्शन नहीं दी, कमांड दी कि तुझे क्या लगता है कि इन कंटेस्टेंट में से कौन ऐसा है जो ये ढेर नहीं कर सकेगा। फिर मैंने सोचा उजेर को बुला लेना चाहिए ना। दोस्त है यार, कर लेगा, मैं हार जाऊँगा कोई बात नहीं, वो जीते मुझे बहुत खुशी होगी। चार मिनट का टाइम, फाइनल में आने का चांस, अख्तर की जगह आप होंगे, गो। फीडर पूरा पीना नहीं होता, सिर्फ चूसनी को चूसना होता है। उजेर साहब, मुझे तो लगता है घर में भी इन्होंने दूध नहीं पिया होगा, इनको इनकी अम्मी फीडर में डाल के माउंटेन ड्यू देती होगी। उजैर भाई तो हार के वापस ऑडियंस में चले गए, लेकिन अब डर इस बात का था। अगर अल्ताफ के दो नंबर आ गए, अल्ताफ को दो नंबर चाहिए जीतने के लिए। जैसे ही व्हील घुमा मेरे दिल की धड़कन रुकना शुरू, दो नंबर आ गया तो काम हो गया। इसका मतलब आप वहीं रहेंगे। अख्तर के लिए भी यही घुमा दे, घुमाएं अख्तर के लिए। दो। अब दो नंबर के लिए क्या करना होगा आपको? इसके बाद वकार ने मुझे एक अच्छा मौका दिया कि तू अगर अल्ताफ को हरा देता है तो तू 13 नंबर पे और अल्ताफ 5 नंबर पे। तो अल्ताफ को क्या करना है? अपनी जगह बचानी है। जीतने का फायदा कुछ नहीं है, लेकिन हारने का नुकसान बहुत बड़ा है। मैं आया 13 नंबर पे, अल्ताफ आया 5 नंबर पे। मेरे लिए घुमाने आया जुनेद। जुनेद मेरे पास से गुजरा, मैंने हल्की सी आवाज में कहा, जुनेद दो, ज्यादा नहीं घुमाना, हल्का सा घुमा जाए, दो पे आ जाए। उसके बाद मैं विनर, उसके बाद पार्टी। चलें जी, अब अल्ताफ के लिए घुमाए। मेरा 5 नंबर आया और मैं वहीं का वहीं बैठा रहा। ओ आप ये घुमा रहे हैं आप बैकवर्ड के लिए। तीन नंबर पीछे आ जाओ भाई, अख्तर के लिए घुमाओ। बात क्या है, अख्तर जीत चुका है। यस, दो नंबर आ चुके हैं और अख्तर का फाइनली 15 नंबर आ चुका है। ऑडियंस ये समझ रही है कि अख्तर जीत चुका है, लेकिन चैलेंज तो किया नहीं इसने अभी से। ब्रेकिंग न्यूज़, यहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सोच समझ के दो नंबर आए। उसके बाद वकार भाई ने मुझे कहा एक मध्य मुकाबले बुलाना है, कि ऐसे कंटेस्टेंट को बुलाओ जिसे तुम हरा सको। तो वो सोचने के बाद फिर मैंने उजेर को बुलाया ऊपर। अगर मैं जीता तो मैं तो विनर बन जाऊंगा, हाँ अगर उजेर जीता तो उसका मौका बन जाएगा 13 नंबर पे आके जीतने का, डेयर लेकर आ जाएगा। क्या चीज है संडे? करना ये आपने कि यहाँ से ये निकाला, मुंह में रखा, यहाँ से पूरा एक राउंड लगाया आपने सेट के ऊपर, जो लिविंग ऑन द एज का हैंड साइन बना हुआ था उसके सर्कल में सांडा लेके घूमना था, लेकिन कंडीशन क्या थी, अगर सांडा गिरा तो डिस्क्वालीफाई। यहाँ आए, इसके अंदर डाल दिया, एक मिनट में आप जितने डालेंगे वो आपको मुकाबले में आगे जितवा देगा। एंड गो। गिरा तो गए, सेकंड हो चुके हैं भाई,
15 सेकंड रह गए। टेन नाइन ठीक है, कितनी क्वांटिटी लाए आप? 3। एक मिनट, और कितने सांडे लाने आपको? 4। गो। गिरा तो गए, अंडा गिर गया। और वकार भाई ने साफ अल्फाज में कहा, अख्तर जाओ ऑडियंस में बैठ जाओ, तुम डिस्क्वालीफाई। ऑडियंस चीखती जा रही है, नहीं नहीं वकार भाई ना इंसाफी कर रहे, वकार भाई ना इंसाफी कर रहे। मैं पब्लिक की तरफ कह रहा था कोई नहीं कोई नहीं, मैं हार गया कोई बात नहीं, यहाँ से मैं पब्लिक का प्यार लेकर वापिस जा रहा हूँ। अल्ताफ अब आप अपने लिए खुद हिलाएंगे जाके, जाए तीन नंबर, किसको चैलेंज करना है वहां से? सुहेल। आओ सुहेल, ये सांडे मुंह में उठाएंगे आप, फिर यहां आएंगे, फिर बताता हूं क्या करना है। रखे मुंह में, 30 सेकंड में दूसरे को धक्का देना है, जिसका पहले सांडा गिर गया। गो। सुहेल आपका गिर गया है, तीन नंबर आगे जाएगा अल्ताफ, पांच नंबर पे आ गए। उजैर हिलाए जाके, उजैर भाई का अंडा आया। अब आप दोबारा घुमाएंगे, फिर उजैर भाई ने घुमाया, फिर अंडा आया। अब अगर तीसरी दफा रेड आया तो आप एक नंबर पे आएंगे। हाँ। घुमाए, तीन नंबर पीछे आ जाए, 10 नंबर पे ठीक है, जाए तो आप घुमाए। किसको आपने बुलाना है? अल्ताफ भाई मुझे चाइना के पठान लगते हैं। जब वकार भाई ने अख्तर भाई को बोला कि किसी एक को बुलाओ, तो अख्तर भाई ने बुलाया अपने लेवल के बंदे को, उजैर भाई को। जब अल्ताफ भाई को बोला तो अल्ताफ भाई ने लड़की को बुलाया, और लड़कियों में से भी अरुसा आ जाए, अरुसा को बुलाया जो सबसे फट्टू है। सॉरी अल्ताफ भाई, पर एक बात है, लानत है। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। जब अल्ताफ भाई ने कपड़ा उठाया, बच्चों वाला चैलेंज, तो वहाँ पर थी माउंटेन ड्यू की 2 बोतल जो इनको नहीं पीनी थी। वकार भाई ने इनका दिमाग चेक करने के लिए इनको डेयर दिया। क्राउड में से एक को देख लो जो तुम्हारे लिए पी सकता है। अरुसा, अरुसा। अब वकार ने बोल दिया कि जी ऑडियंस में से किसी को ले लो। मैंने कहा मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, वैसे भी मुझे कराची वाले तो अच्छे नहीं लगते। अल्ताफ ने चालाकी की और ऑडियंस की तरफ निगाह घुमाई। वहाँ बैठा हुआ था डकने का आने वाला नादे अली, और उसे बुलाया। उसने सोचा अल्ताफ ने कि नादे कुछ ना कुछ कर ही लेगा मेरे लिए। वहाँ पे एक घंटी लगी थी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरा बेटे ने कर क्या लेना है, इतना अगर वो होता तो आज इधर ना खड़ा होता, मैं उधर बैठी होती। लेकिन खैर मैंने उस आंटी की थोड़ी इज्जत रखी और मैंने उनके बेटे को कहा चलो जी आ जाओ। रेडी गो। अरुसा वापस, आप वापस, सारी ड्यू नीचे पड़ी हुई है, आ जाए। गिराई भी है, नादे अली ने जितवा दिया अल्ताफ को। अरुसा भाई हाथ मिला दे, आए उधर हिलाए। अल्ताफ भाई 9 नंबर पर, उजैर भाई 10 नंबर पर। ये उजैर भाई ने व्हील घुमाया, 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा, पर क्या आया? अंडा। लोगी कितना नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन वो ऊपर से नीचे ही आते जा रहे थे। 2 नंबर पीछे आ जाओ, 8 नंबर में बैठ जाओ, जाओ अल्ताफ घुमाओ। किसको बुलाना है जिससे तुम जीत सकते हो?
अल्ताफ भाई डेटिंग शो नहीं है, डेयरिंग शो है। चाइना के पठान से फिर पूछा कि किसको बुलाना है, फिर उरूसा को बुला लिया। सॉरी अल्ताफ भाई पर इस बार डबल नालत है। चैलेंज अब आपका जहन कितना चलेगा, क्योंकि लिविंग ऑन द एज में बार बार क्या कह रहे, दिमाग दिमाग दिमाग, वरना इतना लंबा शो खींचने की जरूरत क्या है। अब करना यह है कि अरूसा इनमें से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट नहीं, जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारे लिए कुछ भी डेयर करने के लिए तैयार होगा। और अल्ताफ भी जाए, फिर दोबारा वकार ने बोला, वो तो चाहता ही था कि मैं निकल जाऊँ, इस वजह से बोल रहा था भाई ऑडियंस में से किसी को उठा लो। अच्छा मैंने उस साइड पे देखा उसकी अम्मी फिर उछल उछल के, मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा ले लो। मैंने कहा भाई शर्म मानी चाहिए, इतना बेटा आपका वो कुछ कर तो एक ड्यू की बोतल नहीं पी सकता, तो पता नहीं आपके बेटे ने करना क्या है। तो फिर मैंने सोचा इस साइड पर जाना ही नहीं, मैं दूसरी वाली साइड पर गई, वहाँ पर मैंने एक लड़का बैठा था, मैंने भाई कर लोगे, सारे बोल रहे थे हाँ जी कर लेगा कर लेगा, मैंने कहा चलो इसको चांस देते थे, वो आ गया स्टेज पर। आप दोनों डेयरिंग है या मस्ती मजाक में है, किसी के चांस को खराब कर सकते हैं, अगर डेयरिंग नहीं है तो बता दें, कोशिश करेंगे। हार मानने वालों में से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है, हाथ में ले ले पहले तीन चूहे निकाले, जिसके हाथ से गिरा अब गया वो। चलें जी आप इधर आ जाए, यहीं पर खड़े खड़े इस तरह करना है कि किसी एक का चूहा बाहर आ जाए। गो चूहा खींच, हाँ उसका निकला हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। उजैर भाई और उषा के लिए ग्रैंड फिनाले जो है अमावस की रात बन चुकी थी, पनौती बन चुकी थी। मैं तो कहती हूँ ठा करके किसी की नजर लगी थी, खुद तो कोई डेयर कर नहीं सक रहे थे, जिसको बुला रहे थे वो भी हार रहा था। ठीक है अल्ताफ जीत गया, उषा फिर हार गई, इस तरह फिर अल्ताफ जीत गया और उषा वापिस चले गई, और फिर उजैर भाई व्हील घुमाएंगे, मुझे तो लगता है उनका फिर आएगा अंडा। कहाँ पर जाएंगे अगर आप गए? 12 12 पे चले जाएंगे, 12 के लिए। अल्ताफ आपने इसके लिए यहाँ से कॉम्पिटिटर बुलाना है, एक ऐसा जो इसे हरा सकता है आपके ख्याल में। सुहेल सेंटर में, दोनों गले मिले, जरा गले मिले, ग्रिप बनाए, जब गो बोलूंगा दूसरा नीचे गिरेगा। जेर को मैं चीख चीख के कह रहा था कि यार भाई तेरे हाथ में सब कुछ है, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ, अभी तूने साबित करना कि कराची में टाइटल किस तरह लाना है। ऊपर होने वाला जीतेगा, गो। उधर गया, वहीं रहेंगे जहां पे। अल्ताफ घुमाए, उजैर इसे कौन हरा सकता है? अख्तर, एक एक टांग उठा ले, अगर टांग लगी आपकी टांग हाथ से छुटी गए, आपकी छुट्टी गए। उजैर ने तो इज्जत नहीं रखी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मर जाऊंगा लेकिन टांग नीचे नहीं गिरने दूंगा। गो चले खत्म, वहीं रोके जाओ भाई, जाए उजैर। उजैर भाई का 4 नंबर आया और अब वो जाएंगे 12 पर, लेकिन 12 पे जाने के लिए वकार भाई ने चैलेंज दिया। दोनों में से जिसको जो अब उठा के गिरा देगा वो डायरेक्ट 14 नंबर पे चला जाएगा। उजैर का है 4 नंबर, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी वकार भाई ने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई, जो भी ये डेयर करेगा उजैर या अल्ताफ तो वो डायरेक्ट जाएगा 14 नंबर। जिसका एक नंबर आ गया तेज घुमाने के बाद, और मैं घुमाऊंगा, वो जीत गया, गेम खत्म। जिसकी कमर नीचे लगी वो गया, बस खत्म। उजैर भाई आ गए 13-8 पर और अल्ताफ भाई एक नंबर दूर है विनर बनने से। अगर वकार भाई ने घुमाया और एक आ गया तो फेस ऑफ पाकिस्तान अल्ताफ भाई, लानत है ऐसे फेस ऑफ पाकिस्तान पे। घुमाए वकार भाई घुमाए, लेकिन एक नहीं लेके आइएगा, सब देख रहे हैं, दुआ करें अल्लाह में एक ना है, अल्लाह में एक ना है, अल्लाह में एक ना है। एक नंबर आया तो अल्ताफ आप जीत गए मुकाबला।
जहर के लिए घुमाना पड़ेगा। चार नंबर आ जाए खड़े हो। उजेर की नकार परफॉर्मेंस को देखकर वकार भाई को सही गुस्सा आ रहा था, क्राउड भी नालते दे रहा था कि ये गेम शो क्या गेम बढ़ती जा रही है। और उस यहाँ हमारे पठान साहब का भी एक नंबर नहीं आ रहा था, तो वकार भाई ने गुस्से में उजेर को कहा, अब ऐसा कॉम्पिटिशन बुलाना है कि अगर वो जीता ना, आपने बहुत देर कर दी है। जिस तरह ऑडियंस आप देख रहे हैं कि उजेर को मैंने दिए तीन चांस, मुझे लग रहा था डेफिनेटली उजेर मुझे बुलाएगा, लेकिन मेरा भाई निकला चालाक और उसने बुलाया किसको? चेंज हो जाएगा सब कुछ, आप हार भी रहे हैं। रूसा अख्तर नहीं, उरुसा का नाम। उजेर ने जब उरुसा का नाम लिया तो मैं पास बैठे बंदे से पूछा, यार उरुसा का नाम लिया कि मेरा नाम लिया इसने? तो उसने कहा भाई बैठ जा, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इसने उरुसा का नाम लिया। फिर मैंने गुस्से से उजेर की तरफ देखा, यार मैं तुझे इतना बड़ा इंसान नहीं देख रहा क्राउड में। उसने कहा फिर मैंने मुझे एक ही चीज याद आई, दोस्त ना रहा प्यार ना रहा। मैंने कहा था कि ऐसे कंटेस्टेंट को बुलाएं जो आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो इतनी देर से आप हार रहे हैं तो आपकी जगह आ जाएगा वो। खैर अरूसा तो जीत ही नहीं रही और गारंटी है कि जीत नहीं सकेगी इस चैलेंज में। अगर ये आपने कर दिया ना तो आपको एक अलग से टाइटल मिल जाएगा। उजैर क्या चीज है इसमें? स्कॉर्पियंस। और आपको पता है कि जब स्कॉर्पियंस आते हैं अरूसा के साथ क्या होता है? ये जो स्कॉर्पियंस हैं, आपने ये प्रिडिक्शन करनी है कितना टारगेट रखना है कि ये एक मिनट में यहाँ नहीं डाल सकती अपने मुंह में रख के। तीन ही है ना मैक्सिमम टारगेट देना है। एक मिनट में अगर इसने यूं उठाया मुंह में रखा और इसमें डाल दिया, मुंह में होना चाहिए, जब मुंह में आ गया तो हाथ नहीं लगाएंगी आप, और एक मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर नहीं कर सकी। एंड गो। और क्या हाथ में पकड़ो। 10 और सबको अपना अपना चांस मिल जाए। अगर आप लोगों के हाथ में होता तो आप किन तीन लोगों के दरमियान फाइनल करवाते? फिर वकार भाई ने 100 लोगों पर छोड़ दिया जो वहाँ पर क्राउड आई हुई थी कि आप लोगों को कौन तीन लोग लगते हैं जिनके बीच में मुकाबला होना चाहिए सब डेर देखकर। तो एक तो उदयर भाई का नाम लिया, चलो सही है। एक अख्तर भाई का लिया, चलो वो भी समझ जाते हैं। लेकिन जुनेद का नाम वो पता नहीं कहाँ से आ गया। मैंने बोला आज ये क्राउड भी पागल हो गया एलवी की तरह। ट्विस्ट हो गए, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, मुझे विनर चाहिए अब। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, डेयर पे डेयर, ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज। ऑडियंस को कंफर्म हो चुका था कि वकार उजैर को जिताना चाह रहे हैं। उजैर को पहले से मालूम था कि वकार शायद उरुसा को जिताना चाह रहे हैं। उरुसा को इस बात की कंफर्मेशन थी कि वकार एलवी को जिताना चाह रहे हैं, और एलवी को ये बात शायद लग रही थी कि वो अख्तर को जिताना चाह रहा है। आफ्टर ऑल वकार ने एक फैसला लिया, 1,00,000 रुपया बाइक और उसके साथ साथ फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल। फाइनल डेयर वकार एक प्लेट कपड़ा हटाया, मुझे लगा बंदूक, दूर से मुझे बंदूक ही लग रही थी। मैंने सोचा ये तो लक फिल्म का सीन हो गया, एक गोली डाली, 5 खाली सिर पे तानी। After the break. फाइनल डेयर वकार एक प्लेट कपड़ा हटाया, मुझे लगा बंदूक, दूर से मुझे बंदूक ही लग रही थी। मैंने सोचा ये तो लक फिल्म का सीन हो गया, एक गोली डाली, 5 खाली सिर पे तानी। बच्चों वाला चैलेंज,
जो ट्विस्ट होने थे हो गए, आप वो तीन लोग हैं जो किसी ना किसी तरह आगे पीछे होते रहे। तू वोट आउट हुआ, सब कुछ हुआ तेरे साथ, इससे आसान बच्चों वाला चैलेंज मिल नहीं सकता। आज हारेगा तो तुझ पे लानत होनी चाहिए। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, अब आगे कुछ और मेहनत कर सकते। आपने जब मैं गो बोलूं, सामने लाएं पहले ड्यू, यूं रखकर यूं उठा लेंगे, और यहां से ना कोई भी शोर जब तक नहीं करेगा जब तक गेम खत्म नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, गो। आज इस पठान का दिमाग भी चलेगा। मैंने बोला जो करना है करो, ये डेर मुझे नहीं आना। I'm good. And I'm bad. I'm excellent. अख्तर जीत गए। जीता कौन? अख्तर खान। हाँ मम्मी डैडियो, तुम अभी सुन लो, तुम फेसबुक को जाके भर दोगे के फाइनाले कहाँ खत्म हुआ? एक छोटी सी माउंटेन ड्यू पर। लेकिन तुमने शो पूरा देख ही लिया ना, शुरू कहाँ से हुआ? मुश्किल। ओह क्या चीज, कभी सांडे मुंह में रख रहे, कभी लाल बेग, कभी कच्चा दिमाग, कभी ऊपर जा रहे, बेवले पेंक रहे। लेकिन आपने वकार भाई को बोलते हुए हमेशा देखा होगा कि जिस दिन आपका दिन होता है उस दिन आपको किसी का बाप नहीं हरा सकता। और एक लाख रुपए से भी बढ़ के एक वो चीज है जिसके लिए लाखों लोग हर दफा ऑडिशन में क्वारी काटते हैं, लाइन में लगते हैं। हजार किस्म के मैंने ट्विस्ट डाल दिए, 1000 किस्म की चीजें मैंने कर दी। जिसको अल्लाह चाहता है उसे इज्जत मिलकर ही रहती है, और टाइटल मिलता है अख्तर को। yeah!